माननीय ईडीएम साहब से दीपावली के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या व्यवस्था रहेगी। सर दीपावली की बहुत शुभकामना आपके लिए, और सर दीपावली पे क्या क्या व्यवस्था विशेष रहेंगी। सर दीपावली की एडवांस में सभी को शुभकामनाएं। कल हमने सारे प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग आयोजित की थी कल मेरे कार्यालय में। सबको निर्देश दिया है पटाखे की शॉप्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी में हम लाइसेंस जारी कर रहे हैं। वहाँ पर दमकल स्टैंड बाई मोड पर खड़ी रहेगी, दूसरी दमकल नगर परिषद कार्यालय में खड़ी रहेगी। सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद को निर्देशित किया गया, कर्मचारी की ड्यूटी लगी है। लोकबाग गोको नगर परिषद के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है, वो है जो साफ सफाई करेंगे दिवाली के मौके पर, और जो सड़क वगैरह कहीं टूटी फूटी है उसको भी रिपेयर करेंगे, पेचमार्क करेंगे। ऐसा ही पीडब्ल्यूडी को भी ने एक्शन को निर्देशित किया है, पीएमओ को निर्देशित किया है कि वो सभी डॉक्टर्स मेडिकल टीम्स उनकी त्यौहार पर स्टैंड बाई मोड पर रहे। कोई बर्न केस आ सकते हैं, बर्न इंजरी वगैरह के केस आ सकते हैं, क्योंकि पटाखों का ये त्यौहार है, तो उनको हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए उनको निर्देशित किया है। अभी मंडराइल इंटकवेल से चार, जो इंटकवेल में चार पंप सेट थे वो ख़राब हो गए हैं। हमने पीएचडी के एक्शन को भी निर्देशित किया है कि वो टैंकर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इंटकवेल से पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से वापस प्रारंभ करने के लिए हमने एक्शन चंबल प्रोजेक्ट को लिखा है। कल मेरी उनसे मोबाइल पर बात भी हुई है, तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो हंसी खुशी पूर्वक त्यौहार मनाएं, प्रेम से मनाएं और सुरक्षित रूप से मनाएं। सर गंगापुर सिटी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हंसी खुशी से त्यौहार है मनाएं, प्रेम से मनाएं और पूरी सुरक्षा एहतियातन बरतें ताकि किसी को नुकसान नहीं हो, कोई बर्न केसेज नहीं आए। सभी को शुभकामनाएं दिवाली। बस आराम तो सर पानी की समस्या अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई थी, वो उन्होंने बताया कि वो तो मंडराइल की जो समस्या है वो तो दिवाली बाद ही ठीक हो पाएगी, और फिलहाल आपने जैसा ही निर्देश दिया है टैंकर उसे पानी डालने का टंकी के अंदर। ऐसा है जो हमारे स्थानीय स्रोत है ट्यूबवेल वगैरह है उनसे पानी की व्यवस्था की जाएगी, और जहाँ कमी रहेगी वहाँ टैंकर सेंक्शन हो गए हैं तो टैंकर से भी टैंकर टंकियों में डाल के उसकी भी आपूर्ति की जाएगी। सर आतिशबाजी जो शहर के लोग चलाने वाले उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सावधानी पूर्वक चलाएं, ग्रीन पटाखे चलाएं, ठीक है, और अस्पताल एरिया है ठीक है ना, वहाँ का विशेष ध्यान रखें। और खासकर सर दीपावली पर मिठाई विक्रेताओं को क्या कहना चाहेंगे? शुद्ध और अच्छी मिठाई बेचें, सही दामों पर बेचें। मिठाई जो सरकार के नॉर्म्स हैं जो हेल्थफुल हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो, और जो दुकानदार मिलावट करेंगे तो हम हेल्थ विभाग की स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज कर उनका जो सैंपल लेके उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करवाएंगे।